हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश जैन। आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाने वाला हूँ वापस से। अभी दो दिन से कंटिन्यू अच्छी बारिश आई थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हो गया, वापस से लग रहा है अच्छा। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ये वाला एरिया अपना। सबसे पहले इसमें देखो काफ़ी अच्छे है ना, यहाँ पे ये अभी हिबिस्कस के लग रहे हैं प्लांट, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसमें नई नई ब्रांचेज निकलने लगी है। अभी फ्लावरिंग का इसमें आना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ब्रांचेज काफ़ी हेल्दी चल रही है इसमें, वो सब चीज़ें अच्छी है इसमें। और ऊपर यहाँ पे हैंगिंग बास्केट लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी कलरिंग अच्छी काफ़ी निकल रही है। अभी इसमें यहाँ देखो ये बर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से, देखो अभी इतने सारे बन रहे हैं। तो ये मॉर्निंग में 9 बजे नॉर्मली खुल जाते हैं यहाँ पे। ये इसमें देखो यहाँ पे ये सब में बर्ड्स अच्छी खासी बन रही है, इसमें कलियाँ बन रही है काफ़ी अच्छी यहाँ पे। और इसमें थोड़ी सी टर्टल वाइन लग रही है यहाँ पे, और ये ऊपर बीच में एक प्लांट है, इसका मुझे नाम याद नहीं है। बाकी बिच्छू बे लग रहा है यहाँ पे, पोर्चू लगा है, वो सब इसमें यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे एक टोकरी लगा रखी है हमने, इस टोकरी में यहाँ पे टर्टल वाइन लगा रखी, और ये कि स्वीट पोटेटो वाइन है यहाँ पे। तो इसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, जब भी लटक रही है इस तरीके से तो काफ़ी अच्छा शेड लगता है इसका यहाँ पे। तो ये इस तरह से टोकरी बांध रखी है यहाँ पे, ये देखिए इसमें भी, इसमें मिक्स लगा रखा हमने यहाँ पे। ये है पर्पल हार्ट है यहाँ पे ये वाला, और ये टर्टल वाइन है इस तरीके से यहाँ पे, ये है इसमें भी टर्टल वाइन है। और ऊपर हमारे यहाँ पे ना गिलेरिया वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो घूमती रहती है यहाँ पे पूरे गार्डन में इस टाइम पे नॉर्मली दिन भर यहाँ पे। ये इस जगह पर मनी प्लांट वगैरह लगा रखा है यहाँ पे हमने ये वाला, तो ये नीचे यहाँ पे सीढ़ियों पर जा रहा है वाला। इस जगह ये सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, ये मिंट तुलसी है यहाँ पे ये वाली। और इस जगह पर अलग अलग है जो ऑर्नामेंटल प्लांट है यहाँ पे, वो सब लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे मरुआ के हैं, विंका के हैं, एलोवेरा वगैरह है। ये पीछे इलायची का प्लांट है यहाँ पे, ये कि देखिए ये इलायची का प्लांट है यहाँ पे जो लगा हुआ है इसमें ये वाला। तो इसमें काफ़ी अच्छा बुश रहता है, ये नई नई ब्रांचेज निकलती रहती है इसमें। और एक ये रेन लिली का निकला है अभी यहाँ पे, इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, स्टार्ट हुई है। जैसे बरसात अगर आती है तो रेन लिली अपने आप खिलने लग जाती है। तो इसका हमारे पास पिंक है, वाइट है, येलो कलर भी है, तो अभी तो पिंक वाला खिला है इसमें। और बाकी देखो सिंगोनियम वगैरह लगा रखे हैं छोटे छोटे, इसमें चांदनी वगैरह है, तुलसी जी वगैरह के प्लांट काफ़ी हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, तो साथ में रख रखे हैं कंबाइंड इसमें। और अभी देखो मोगरा भी खिला है यहाँ पे, आज मैं मोगरा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये मोगरे का भी खिला है, अभी खिलने लगा इसमें। और सेंट चमेली वगैरह तो ऑलरेडी आ रही थी इसमें यहाँ पे, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है सेंट चमेली की। ये जो इसके फ्लावर है सेंट चमेली के हैं ये वाले, तो इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और ऊपर बाकी हैंगिंग बास्केट अगर हमने लगा रखा है इस जगह पर ये, और इस जगह पर ये इसमें आलमंडा की वाइन लगा रखी है इसमें यहाँ पे। जैसे ये पीले वाले फूल आते हैं इसमें, ये वाले देखिए इसके, तो ये वाले फूल खिलते हैं इसके, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके। और सिंगोनिया वगैरह हमने इसमें हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, और अजवाइन वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, देखिए ये अजवाइन का पौधा है इसका ये वाला। तो इसके कुछ कहते हैं खाने पीने में भी काम लेते हैं इसको, अजवाइन के सारे पत्तियाँ के इसके बनते हैं कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ पे। अब इसको मैं एक बार आपको चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ऊपर चंपा का यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे चंपा काफ़ी अच्छी लग रही है इस टाइम पे। अभी देखो ये गमले में लग रही है, और ये बहुत पुराना प्लांट हो गया हमारा, इसको मैंने ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं करा इसमें से निकाल निकाल के बार बार, इसी वाले में अच्छा चल रहा है। ये अप्रोक 16 इंच का गमला है, जो सीमेंट वाले गमले आते हैं ये। और इसमें यहाँ पे वंडरिंग जी वगैरह लगा रखी है यहाँ पे, इसको देखिए इसका शेड काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे, देखिए ये वाला। तो ये मैंने इसमें लगा रखी है, क्योंकि छोटे छोटे आराम से इसमें साथ में चल जाते हैं ये। और ये कुछ प्लांट है यहाँ पे, इसका मुझे नाम याद नहीं। बाकी इसमें यहाँ पे चांदनी का लग रहा है, बोगनवेल लग रही है, अपराजिता लग रही है, तो ये सब मिक्स चल रहे हैं यहाँ पे। ये जेड है, मैंने जेड की थोड़ी प्रूनिंग करी है भी इसकी सारी, तो थोड़ा सा शेप दिया मैंने इसको अभी ट्री का जैसा। अभी देखो थोड़ा सा बनता है अच्छे प्रॉपर, तब देखते हैं इसको। बाकी जो कटिंग मैंने निकाली है वो मैंने और जगह लगा दी इसकी। यहाँ पे स्नेक प्लांट वगैरह लग रहा है, पीछे मोगरा लग रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लग रही है। और ऊपर हमने यहाँ पे ये लगा रखा है इस तरीके से तराजू के फॉर्म में ये वाला, ये चीज़ें। तो एक बार आपको मैं चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे इसका, ये देखिए यहाँ पे, जब ये सामने एकदम पूरा ऐसा लग रहा है गार्डन का इस तरीके से ये वाला। अभी दूसरी साइड पर भी हम चलेंगे यहाँ पे बाकी एरिया, ये तो एक इसका एक साइड का एरिया हमारे टेरिस का यहाँ पे लगा रखा है। इस जगह पूरे मतलब मोस्टली यहाँ पे सीमेंट वाले पोर्ट लगा रखे हैं हमने इस जगह पर यहाँ पे। और बाकी जो मैंने लगा रखे हैं, फिर मैंने ग्रोबैग्स वगैरह लगा रखे हैं, इसमें काले वाले ग्रोबैग्स आते हैं वो लगा रखे हैं, हरे वाले लगा रखे हैं, तो वो चीज़ें। कुछ टंकी वगैरह भी रख रखी है यहाँ पे, जो पड़ी एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ी थी उसकी, वो चीज़ें। तो अब मैं आपको इस साइड दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पिछली बार आपको लौकी का प्लांट दिखाया था, अपने लौकी की बेल वगैरह दिखाई थी यहाँ पे। अभी देखो इसमें आज ना कनेर में येलो वाले फ्लावर खिले, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके, ये इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है इसका। और इसमें देखो ये इसमें चींटियाँ हो रही है इसमें, इनके अंदर कुछ मिठास वगैरह क्या होता है जिस चींटियाँ वगैरह जाती है इसमें। और ऊपर का देखो ये एरिया यहाँ पे ना पूरा इसको कवर करने लग गया अब जाल को। ये लौकी का मैंने पिछली बार आपको वाइन दिखाई थी इसकी, तो तब तो काफ़ी छोटी थी ये मतलब, और अभी देखो कुछ टाइम में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली। तो ये इस जगह जा रही है एक तो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर मुझे कटिंग करनी पड़ेगी ताकि इसकी साइड ब्रांचेज निकले यहाँ पे। और एक यहाँ पे जा रही है ये ऊपर की तरफ इस जगह पर, तो ये काफ़ी अच्छी ऊपर निकल गई, तो इसको मैंने अब कट नहीं कर रहा, मैं इसको जितना जा रही है ऊपर जाने दे रहा हूँ फिर ये जैसे भी है। और इधर भी हैंगिंग बास्केट लग रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पे एक ये पोर्चुलका का कलर निकला है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है वाला। इसमें मिक्स शेड है ये, पिंक में मतलब
दो तीन शेड वाला मिक्स है इसमें ये। और इधर यहाँ पे एक तो नीम का पौधा लग रहा है यहाँ पे, जो कड़ वाला नीम होता है वो वाला लग रहा है यहाँ पे। तो ये सब मैंने ग्रो बैग में लगा रखी है। और इधर यहाँ पे एक ही लगा रखा ड्रम है जिधर, इसमें ये एक प्लांट है यहाँ पे बस ये। बाकी इसमें मैं जो भी पत्ते वगैरह होते हैं वो डालने का पर्पज़ से काम आता है ये। और ये टंकी है जिसमें देखो स्वीट पोटेटो वाइन लग रही है इसमें, और ये काफ़ी अच्छी बड़ी हुई है देखो इसको आप, इसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है, इसका शेड देखेंगे तो ये इस तरीके से लगता है। इसमें ग्रीन भी आता है और एक ये वाला भी आता है। तो मेरे पास तो ग्रीन तो है नहीं, ये वाला ही कलर है मेरे पास, पर्पल कलर जो है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें फैला हुआ है इसको, और ये इजीली आराम से मल्टीप्लाई भी होता है, जैसे मतलब छोटी छोटी कटिंग लगा के हम इसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे इसके जो नोड एरिया होते हैं ना यहाँ पे, तो नोड एरिया से हम यहाँ पे इसको पानी में भी लगाएंगे, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं, तो उससे भी आराम से ये मल्टीप्लाई होता है ये। और इधर यहाँ पर ये इस तरह से टर्टल वाइन लगा रखी है बास्केट में, तो हमने जाल के इसमें लगा रखा है इसे। और ये देखो यहाँ पर ना वो लग रहा है ये काली वाली हल्दी जो होती है, काली हल्दी है ये। तो अभी हम लाए थे इसको वहाँ से भिलवाड़ा से, तो वो लगाई हमने यहाँ पे ये। और काफ़ी अच्छा देखना अभी इसमें बन रहे हैं, नई नई रूट्स निकल रही है इसमें अंदर, वो पत्तियाँ निकल रही नहीं इसमें। और ऊपर यहाँ पे ये गिलोय वगैरह लग रही है, जो गिलोय ने इसने पूरा कवर करने लग गया है, धीरे धीरे अपरायता हो गई, गिलोय हो गई, तो वो सब इसको कवर कर रही है अच्छे से। यहाँ पर देखो ये तुलसी जी का पौधा है, और यहाँ पर जो पुदीना था ना, वो पुदीना थोड़ा सा भी यहाँ पर ऐसे ख़राब हो गया, बारिश पड़ी तो यहाँ पर उससे दिक्कत आई है इसमें। और ये मरुआ के प्लांट लग रहे हैं, ये सब चीज़ें लग रही है। कुछ मैंने कटिंग वगैरह भी लगा देता हूँ बीच बीच में यहाँ पे। और ये देखो एक कलर इसमें कितना अच्छा निकल रहा है इसमें, ये वाला। तो इसमें काफ़ी अच्छे मिक्स शेड आ रहे हैं इसमें, और ये सब मैंने मिक्स मिक्स करके लगाया इसमें, ताकि अलग अलग मल्टी कलर में लगेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए इसमें जैसे रानी कलर हो गया, बेबी पिंक हो गया, अलग अलग कलर है इसमें। और ये स्वीट बेसिल है, जो पिज्जा वगैरह पर डलती है वो वाली चीज़ है स्वीट बेसिल इसमें, तो वो यहाँ पर हमने लगा रखी है। इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, ताकि और जगह काम ले सकें इसको। तो ये वाला हो गया हमारा इस तरीके का एरिया। और यहाँ से मैं आपको उधर का दिखाता हूँ सामने का एक बार, वो कैसा लगता है जो अभी हमने शूट करा था पहले, वो वाला एरिया पूरा ऐसे इस जगह से दिखता है वो। और यहाँ से एक बार मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, जब हम सामने भी चलने वाले जहाँ पे ये वाला, तो इसको ग्रीन हाउस नाम दे रखा है हमने यहाँ पे, ग्रीन हाउस लिख रखा है इस जगह पर। और ये वाला जो है इधर यहाँ पे, ये भी देखो, ये भी वो है इसका हल्दी का पौधा ये वाला। तो इसमें तो नॉर्मल वाली हल्दी आती है, हमने लास्ट टाइम भी निकाली थी तो निकली थी इसमें। और बाकी तो नॉर्मल जो हमारे अपरायता वगैरह के दूसरे प्लांट लग रहे हैं यहाँ पे। और ये एक तांबेश्वरम बेल है, जो काफ़ी अच्छी भी बढ़ जाती है, ग्रोथ लेती है अगर इसको अच्छा स्पेस मिल जाए तो। तो बाकी तो दूसरे तरह के प्लांट हैं, और ये एक प्लांट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये सामने ऊपर ये वाला एरिया जो यहाँ पर ना ऊपर, इसने काफ़ी अच्छी बेल बना रखी है, इसने अपरायता वगैरह हो गया ये सब करने, ये गिलोय हो गई, वो सबसे अच्छा काफ़ी बन रहा है यहाँ पर। और एक ही गुलमोहर का प्लांट है यहाँ पर, और एक ही शेड देखो आप कनेर का, इसका कलर देखो इसका, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज शेड में है ये वाला। अभी इनकी मैंने प्रूनिंग करी, तो देखो नई पत्तियां सबके आने लग गई, थोड़ा सा शेप वगैरह दिया था, कटिंग करी थी मैंने यहाँ पे, ये सब देखो। तो ये सब नई पत्तियां हैं इसकी, ये वाली हो गई, ये सब नई पत्तियां निकलने लग गई यहाँ पे। और यहाँ पे भी स्वीट पोटेटो वाइन लग रही है यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से फैली हुई है हमारे यहाँ पे। तो फिर और स्टार्टिंग में तो देखो मैं ये पौधे महंगे महंगे लाया था इनको, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होते गया, धीरे धीरे करता गया, तो फिर अभी ये काम इनमें चल रहा है आराम से ये। तो इनको तो आप एक बार लेकर आए तो उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं बार बार, ताकि खरीदने की नीड नहीं पड़े इनमें ये। ये देखो इसमें काफ़ी अच्छी बास्केट है, इसको मेरे को टाकना है अभी कहीं जगह देख के सही से। इधर यहाँ पे मधुमालती लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला देखो, इधर ही मधुमालती का प्लांट है यहाँ पे, बेल इसकी, जो काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग आती है, अभी तो है इस टाइम पे यहाँ पे। और इसमें साथ में ये मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर आ रहे हैं। और उसके अलावा देखो पीछे ये आ रहा है अपरायता का, ये अपरायता है यहाँ पे, इसमें ब्लू और वाइट कलर आता है, वाइट कलर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये है वाइट कलर का। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं अपनी अपनी जगह पर। और ऊपर देखो यहाँ पे हमारे नाग चंपा का जा रहा है यहाँ पे, वो पौधा मतलब पूरा ऊपर निकल गया यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा, और फ्लावरिंग हो रही है उसमें, वाइट कलर के फूल आ रहे हैं अभी। और ये नींबू आ रहा है, नींबू दिखाता हूँ मैं आपको, नींबू आ रहे हैं कई जगह, ये देखो इसमें यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं। तो इसमें नींबू वगैरह की काफ़ी अच्छी खासी आ रही है अभी, तो दो तीन बार दे चुका है, थोड़ा सा इसको खाद वगैरह और देंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसमें आ रहेगी, इसमें प्रोडक्शन आएगा इसमें। और बाकी यहाँ पे देखो ये हेजिंग वगैरह में काम आती है, लाल वाली जो होती है इसकी, ये इस तरीके से हेजिंग वगैरह में काम आती वाली चीज़ें। और यहाँ पे ऊपर हमने इस तरीके से हैंगिंग बास्केट रखे यहाँ पे, ये वाला। और ये येलो वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये अपने आप ही खिलने लग जाते हैं हर साल, और इसमें चलते रहते हैं और अपने आप फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं, इनको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड भी नहीं होती इस वाले प्लांट्स को। अब मैं यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ कॉर्नर से पूरा, ये देखिए इस तरीके से। और अभी ये इसका नाम मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी अभी इसमें, ये वाला। और यहाँ देखिए इधर ये छोटे छोटे बास्केट लगा रखे हैं हमने यहाँ पे, छोटे छोटे पोट लगा रखे हैं, बाकी ऊपर ये बास्केट लग रही है यहाँ पे ये पूरे में।
इस तरीके से। तो ये हमने एक लोहे का जो एंगल है उस पर लगा रखा है यहाँ पे। ये आंवले का पौधा है, पीछे जामुन वगैरह है यहाँ पे, और ये अपराइता वगैरह है यहाँ पे। ये तो इसकी चाहे तो चाय भी बना के पी सकते हैं। इधर भी एक रेन लिली का है ये बास्केट में, तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी। ये इसमें वाइट वाला है कुछ ऐसा, और ये एक रेन लिली का है इसमें, तो अभी देखते हैं इसमें कौन सा कलर है, क्योंकि येलो वाइट दो तीन कलर है हमारे पास, तो अब इसमें से कौन सा निकलता है। ये एक देखिए फाइकस का, ये फाइकस काफ़ी अच्छा लगता है इसका, ये मुझे काफ़ी बुशी लगता है। ये मैंने इसका भी थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट करा था इसमें, दो तीन महीने पहले, बरसात से पहले, तो अब काफ़ी अच्छी इसकी ब्रांचेज निकलने लग गई इसमें। और कुछ अभी यहाँ पे ये पत्थर चट्टा है, जो किसी के पथरी होती है तो उसमें काम आता है यहाँ पे ये, तो ये पत्थर चट्टा का है ये। और बाकी तो यहाँ पे ये है गुलमोहर वगैरह के, इन सब के है। ये परिजात है, जो हम हार श्रृंगार होता है वो उसका है ये वाला, ये हार श्रृंगार का प्लांट है वाला परिजात का, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, इसको घर पर लगाना चाहिए। और इधर यहाँ पे है ये मॉर्निंग ग्लोरी के, और ये जो बेल जा रही है सारी मॉर्निंग ग्लोरी की है। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पूरा व्यू, ये देखिए। ये हमारे यहाँ गिलेरियाँ आती है, तो उनके लिए पानी वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि दिन भर वो घूमती रहती है गार्डन में यहाँ पे, तो वो उनके लिए काम आता है इसमें। इस तरीके से पूरा हमारा गार्डन दिखता है यहाँ पे, ये वाला। मैं आपको एक बार सेंटर में जाके दिखाता हूँ चारों तरफ का व्यू वहाँ से, ये देखिए। ये ऊपर आराम से जा रहा है, झोपड़ी टाइप बना हुआ है हमारे यहाँ पे, इसमें शेप हमने इसका झोपड़ी टाइप का दिलाया था यहाँ पे, तो वो ऊपर बिल्कुल ऐसा दिखता है, झोपड़ी बनी हुई है। तो उसको धीरे धीरे अभी अपने आप कवर हो रहा है, मैं ये मतलब जितना कवर हो सकेगा ठीक है, अपने आप हो जाएगा वहाँ पर। ये चारों तरफ का व्यू हो गया हमारे यहाँ का गार्डन का। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी हो सके तो इतने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं इस टाइम पर। थैंक यू फ्रेंड्स।